अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अंबर इरफान। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की तमाम मुश्किलात को आसान करे, हमारे पेरेंट्स का, हमारे बड़ों का साया हमारे सर पर कायम रखे और इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हम तमाम ममालिक को और मेरे पाकिस्तान को भी महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है, एक बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर इजी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त आपसे चीक स्टिंट मैं शेयर करूंगी। जी हाँ, बहुत सी गर्ल्स को इसके बारे में पता होगा कि ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए हम लिप टिंट या चीक टिंट यूज़ करते हैं। चीक्स पे जब आप इसको अप्लाई करेंगे, और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बहुत ही नेचुरल ग्लो इसके साथ आएगी आपकी स्किन पे। जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं मैं आगे चल के आपको बताऊँगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है और लॉन्ग लास्टिंग है। बहुत ही डिफरेंस आपको ईजिली नज़र भी आ रहा होगा। आप इसको देखें, ये देखें, मैं दोनों हाथ आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ। ये देखें, जहाँ पर मैंने अप्लाई किया है वो बिल्कुल अलग लग रही है स्किन, और बहुत प्यारी सी पिंक सी ग्लो, रेड सी ग्लो आ रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त बना है ये। तो इसको बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको बनाने के लिए एलोवेरा जेल चाहिए, फूड कलर, और कोई भी आपका मोस्ट फेवरेट जो भी आप यूज़ करते हो लोशन मॉइस्चराइज़र, वो आपने इसमें ऐड करना है। सबसे पहले हम ले लेंगे हाफ टेबल स्पून एलोवेरा जेल, बहुत है। जितनी क्वांटिटी मैं इसकी बनाऊंगी वो बहुत ज़्यादा होगी, एक माह से भी ज़्यादा चल जाएगा, बल्कि दो माह से भी ज़्यादा चल जाएगा जितना मैं बनाऊंगी। तो आपने कुछ ड्रॉप्स इसमें फूड कलर के ऐड करने हैं। फूड कलर आपने रेड कलर का यूज़ करना है इसके लिए, कोई और मत कीजिएगा। और थोड़ी सी क्वांटिटी आपने इसमें मॉइस्चराइज़र जो भी आप पसंद करते हैं, वैसलीन पसंद करते हैं, या कोई भी आप जोन सा भी आपका मोस्ट फेवरेट हो आप यूज़ कर लें। मैंने इसमें इनजेंटर यूज़ किया है क्योंकि उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो वैसे आप जब उसको अप्लाई करते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए उसकी खुशबू भी इसके अंदर जब ऐड होती है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल आपको बाजार वाला मार्केट वाला लगेगा लिप टिंट। आपने इसको लिप टिंट अगर यूज़ करना है लिप टिंट के लिए, तो आपने सेम यही मेथड यूज़ करना है इसको बनाने के लिए, लेकिन आपने इसमें लोशन मतलब मॉइस्चराइज़र ऐड नहीं करना। उसकी जगह आप थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लीजिएगा या थोड़ी सी क्लास्ट्रीन, और बाकी ये दोनों चीज़ें एलोवेरा जेल और आपने ये फूड कलर ऐसे ही यूज़ करना है। ये मैं चीक्स के लिए आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें लोशन ऐड किया है, क्योंकि एलोवेरा जेल जब आप खाली इसमें ऐड करेंगे तो इससे होगा ये बन तो जाएगा बहुत अच्छा, लेकिन होगा ये कि स्किन थोड़ी थोड़ी सी ड्राई लगेगी उधर से। तो इसमें जब आप यूज़ कर लेंगे कोई भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ऐड कर लेंगे हम, तो उसके बाद बहुत ही अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग वाली टिंट लगेगी। आप जब इसको अप्लाई कीजिएगा ये देखें, बिल्कुल मार्केट वाला लग रहा है, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं लग रहा, लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर पर तैयार किया। आप किसी को बताएं कि आप ये टिंट यूज़ करते हैं तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये DIY है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और स्पेशली जो इसकी बात बहुत अच्छी मुझे लगी, ये लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग अगर आपकी स्किन पे कोई भी टिंट लगाया हो तो आप फेस को वॉश भी कर लें तो उसके बाद भी उसकी शाइनिंग जो होती है, उसका कलर होता है, वहाँ पे स्टेन रह जाता है, जिससे आपके फेस की लुक चेंज हो जाती है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लगेगा आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे। ये स्पेशली गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा फॉर्मूला मुझे लगा। आप इसको जब यूज़ करेंगे कोई भी क्रीम यूज़ करने के बाद, सिंपल गर्मियों में ज़ाहिर आपको पता है बेस नहीं लगती, मेकअप यूज़ नहीं हो कर पाते हम, तो आप कहीं पे भी जाते आप थोड़ा सा टिंट यूज़ कर लेंगे अपने चीक्स के ऊपर तो बहुत अच्छी लुक आएगी, आपका फेस बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही नेचुरल लगेगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ये देखिए जैसे मैंने जितना मैंने बनाया है ना, ये बहुत टाइम आपका निकल जाएगा, दो माह तो कहीं नहीं रहते। थोड़ी सी क्वांटिटी आपने लेनी है, ये देखें जितना इसमें अभी पड़ा भी हुआ है, ये भी मैं इसमें रख लूँगी सेव करके, इसमें थोड़ा सा रह भी गया है, बच भी गया था, तो ये मेरा दो माह से भी ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा आपने यूज़ करना है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।